वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत दिनों से आपको एक मेकिंग टॉय नहीं बताया है, तो चलिए आज मैं आपको एक मेकिंग बाइक बताने वाला हूँ पार्ट्स के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने ये एक चेचिस बनाया है, इसमें मैंने टायर ऑलरेडी फिट कर दिया है। तो चलिए, हम लोग के पास है एक फेविकॉल, तो पहले हम इसका हैंडल जोड़ेंगे। तो इसका इसमें आप ग्लू डालिए थोड़ा सा, और बाद में इसमें ऐसे चिपका दीजिए। ये आप देख सकते हैं, फिर मैंने इसमें भी ग्लू डाल दी है। ये आप देख सकते हैं, और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे ऐसे करके, और हमारा ये अंदर आ जाएगा ऐसे करके, और बाद में हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, फिर बाद में अंदर से इसको ऐसे कर देंगे। आप देख सकते हैं, लेफ्ट राइट होने लगा। फिर हम इसको यहाँ रखेंगे, फिर चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन ये हमारा है, हम लोग इंजन इसमें ऐसे करके अंदर डाल देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो मैं इसमें फेविक्विक लगाता हूँ। देख सकते हैं, ये बाद में मैं इसको अंदर डाल देता हूँ, तो ये हमारी ग्लू चिपक जाएगी इसमें। ये आप देख सकते हैं, हो गई। फिर चलते हैं टायर की तरफ। ये है हमारा टायर। इस तरह का आपको टायर चाहिए, इस तरह का आपको एक चाहिए, और ये आपको एक माचिस ताकि टायर चल सके। तो पहले मैं इसमें आपको ये डालकर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये हो गया। फिर बाद में आपको ये टायर अंदर डाल देना है ऐसे करके, फिर बाद में ये वाला बाहर आएगा, तो इसमें आपको इसमें करके ऐसे लगा देना है अंदर जा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। ओनो, ये तो उखड़ गया, तो हम इसे फिर से साट देते हैं। तो ये हो गई, और ये टायर देखिए आप, ये चल रहा है, तो हम इसे यहाँ रख देंगे ऐसे। तो ऐसे करके हार्ले डेविडसन हो जाएगा। बाद में यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं ये टैंक, मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ ऐसे। ये आप देख सकते हैं बाइक। नेक्स्ट चलते हैं सीट। ये सीट है, तो पहले हम इसका टैंक जोड़ेंगे, तब सीट जोड़ेंगे। यहाँ पे फेविकॉल डालते हैं, और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऐसे करके डाल देंगे। तो टैंक यहाँ आप देख सकते हैं, टैंक आ गया यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी, यहाँ से निकल गई। थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा ग्लू डाल देते हैं, तो ताकि ये मजबूत रहे। फिर बाद में ये सीट, तो सीट ऐसे हम लगा सकते हैं अंदर में करके ऐसे। तो आप देख सकते हैं सीट हो गई। नेक्स्ट है सिलेंसर, तो चलिए इस तरफ हम सिलेंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा गम डाल के साट दिया है। तो आप देख सकते हैं ये टूल है,
तो मैं इसमें ऐसे करके चिपका देता हूँ, तो ये चिपक चुकी है। नेक्स्ट फिर हम ग्लू डालेंगे इस पर, फिर हम एक और ऐसा लेंगे टूल बॉक्स और इसमें चिपका देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा टूल बॉक्स है तैयार। नेक्स्ट है सिलेंसर, तो सिलेंसर तो यहाँ से हम डाल सकते हैं ऐसे करके। तो चलिए मैं सिलेंसर को जोड़ देता हूँ नीचे रखकर। तो सिलेंसर का ऐसे जोड़ना है यहाँ पे ऐसे करके ग्लू डाल के, तो सिलेंसर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लू डालता हूँ यहाँ पे, देखिए हमारी सिलेंसर पूरी तरह से हो जाएगी तैयार। तो आप देख सकते हैं हमारी सिलेंसर है तैयार। तो फ्रेंड्स मैं इसे नीचे रखता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले में। मैं आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट राइट होती है, ये नीचे रख देता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं मीटर पे, ये आपको मीटर दिखेगा व्हाइट कार्डबोर्ड पर, और हम इसे उठाएंगे, इस पे थोड़ा इसे ग्लू डालेंगे थोड़ा सा एकदम, फिर बाद में ऐसे करके इसमें चिपका देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मीटर। फिर नेक्स्ट है हैंडल, तो हैंडल पे भी यहाँ पे थोड़ा ग्लू एकदम थोड़ा सा, फिर बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल। फिर चलते हैं लैंप पर, तो हम यहाँ पे ग्लू डाल देते हैं।